हाँ तो अपना से कब की गाड़ी है? ये आपका 1998 वाला गाड़ी है। कौन कंपनी? होंडा सिटी। और क्या क्या खासियत है इस गाड़ी की? इसमें आपका सारा टॉप मॉडल गाड़ी है, अलॉयविल रिंग है, अलॉयविल रिंग है, और इसमें सारा पावर विंडो है। ये आपका पावर विंडो कंट्रोलर है, यहाँ से आप पावर विंडो चारों दरवाजे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा है कि ये बारिश का मौसम में ये लुकिंग ग्लास के लिए जो है कि जिस यहाँ पे एक पहले तार का सिस्टम दिया था, वो तार का सिस्टम ना हो के यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फोकस कर, आप इसको ऑन कर देने के बाद आप यहाँ से ही आपको लेफ्ट का काम करना है तो आप लेफ्ट में इधर करके आप इसको घुमा सकते हैं पीछे देखने के लिए, पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आपको देखना हो साइड पीछे का तो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमको बारिश में बाहर निकालने का हाथ दरकार नहीं, या बारिश या हो या ठंडी हो, या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको यहां से कंट्रोल करने का दरकार नहीं, आप यहां से ही कर सकते हैं। इसमें आपका मोटर लगा हुआ है, मोटर की वजह से ये आपका होता है। प्लस आपका ये गाड़ी में स्टीयरिंग है, जो ये पावर स्टीयरिंग है आपका, सिर्फ गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये फुल पावर स्टीयरिंग में चला जाता है गाड़ी। प्लस आपका म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, सीट आपका आगे पीछे एडजस्टेबल सीट है, आप आगे पीछे प्लस आपके सीट को रिमूव करके आपका जो साइज में बैठने का होता है आप उसमें बैठ सकते हैं। ये आपका गाड़ी 5 आगे और आपका एक पीछे दिया हुआ है, ये 6 गियर गाड़ी है। आपका इसमें हैंड ब्रेक भी दिया, इमरजेंसी ब्रेक, जो आपका मान लीजिए कभी ब्रेक ये आपका काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ आ गया है सामने तो आप ये हैंड ब्रेक से कस के आप इसको इस तरह से टांग देने के बाद आप ये ब्रेक को लगा के गाड़ी को रोक सकते हैं। आइए इसका इंजन देख लीजिए, इसका इंजन भी बहुत बढ़िया है। आपका ये इंजन जो है ये आपका 1.5 लीटर इंजन है, पेट्रोल प्लस ये पेट्रोल इंजन है, नई बैटरी है। और ये जो इंजन है आपका 1.5 इंजन दिया हुआ है लीटर इंजन, प्लस ये पेट्रोल इंजन है। और ये गाड़ी जो है आपका एवरेज 16-17 का एवरेज देता है। और सबसे अच्छा बात है कि ये जो एवरेज जो है इसका बहुत अच्छा एवरेज है, जिसकी वजह से ये गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं। और इसका जो चाल है गाड़ी चलने का बहुत अच्छा चाल है। और ये गाड़ी में अभी रोक के बोल ना भाई, पूछ तो इसके इंटीरियर के बारे में बताइए, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या दिया गया है? इसमें आपका एसी दिया हुआ है, आप एसी अगर यहाँ गर्मी ज्यादा है तो आप एसी भी चला सकते हैं, नहीं तो आप कूलर को यूज कर सकते हैं। ये कूलर है, आपका इससे कूलर भी चल सकता है। अगर यहाँ ठंडी है तो आप इसमें ये जो रेड वाला है, ये रेड के पास में आपका हीटर के लिए है, मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंडी है तो आप हीटर चालू कर सकते हैं यहाँ से। और प्लस इसमें आपका परफ्यूम सिस्टम भी दिया हुआ है, एसी है तो आप परफ्यूम को चालू करके आप परफ्यूम लगा के गाड़ी में सेंट के लिए रख सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा है कि होंडा कंपनी का ही एक बाजा दिया हुआ है, जिसको जो आपका टेप सिस्टम दिया हुआ है, ये काफी पुराना मॉडल का दिया हुआ है मगर बहुत बढ़िया है, ओरिजिनल मॉडल है, सारा चीज ओरिजिनल है इस गाड़ी का इंटीरियर, इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। आज जो सिगरेट पीते हैं उसके लिए लाइटर दिया हुआ है सिगरेट पीने के लिए, प्लस इसमें और आपका और इसमें आपका सिगरेट गिराने के लिए भी दिया हुआ है क्लास के लिए। और इसमें यहाँ पे पानी या आपका कुछ रखना हो तो आप इसमें रख सकते हैं, टूल बॉक्स दिया हुआ है। और बाकी सारा चीज तो आप देख, इसमें आपका ये पीछे देखने के लिए दिया हुआ है कि आपका गाड़ी पीछे कोई गाड़ी है या नहीं है। और ये आपका धूप से बचने के लिए दिया हुआ है, मान लीजिए काफी गर्मी है तो आप इसको इस तरह से लगा के आप अपना आँख को बचा सकते हैं, आँख पे आपका धूप ना आए। और प्लस रात में गाड़ी चलाते समय किसी का गाड़ी का लाइट आ रहा है तो आप इसको इस तरह से झाँक के गाड़ी आप अपना आगे लेके जा सकते हैं। और इस गाड़ी में आप
आपका एक यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, मान लीजिए रात है और आपको कुछ देखना है या आपको अंदर में लाइट चाहिए तो आप यहाँ से लाइट को जला सकते हैं। जो सब रनिंग कंडीशन गाड़ी है, बंद कर पुश कर इसमें आपका पीछे एक हुड दिया हुआ है जिसको रुफेल का कहा जाता है। बस ये है कि फैशन और लुक के लिए दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, जो गाड़ी को देखने में बहुत अच्छा लुकिंग करता है। इसमें डिग्गी दिया हुआ है, 350 लीटर का बूट स्पेस है और इसमें एक एक्स्ट्रा टायर भी दिया हुआ है। बस टायर मेरा तो खराब हो गया, अलॉय व्हील रिंग है। खोला, खोलिए, खोलिए, लग गया। हाँ, ये आपका पेट्रोल के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपका इंजन पेट्रोल इंजन है, इसमें आपका यहाँ पे कोई भी बारिश का पानी हो या गाड़ी वॉश करते समय आपका इसमें पानी ना जाए, इसके लिए यहाँ पे एक सेफ्टी दिया हुआ है। और एयर भी नहीं बनेगा, यहाँ पे छेदा भी है जिससे एयर निकल जाए पेट्रोल टंकी का। तो यहाँ पे जब टंकी का पाइप जाएगा तो ये आपका इस तरह से रिमूव हो जाएगा। बाकी इसका बहुत अच्छा फंक्शन है ये। इसे फुल गाड़ी एसी गाड़ी है, आप इसमें एग्जस्ट करके आप आराम से जा सकते हैं। चार लोग। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी दिया हुआ है, आपका बॉक्स बहुत अच्छा है, सोनी का बॉक्स लगा हुआ है, स्पीकर है। और ये आपका मान लीजिए कोई है दो आदमी जो आपको इधर एक बैठना है, हाथ रख के बैठना है तो आप यहाँ पे आराम से रख के बैठ सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा और भी है, इसमें सेंसर लॉक है, जो आपका मान लीजिए गाड़ी को लॉक करना है तो एक चाबी से ही ये गाड़ी पूरा लॉक हो जाएगा। आपका गाड़ी जो है आपको पूरा फुल सेंसर लॉक है। मान लीजिए आपका गाड़ी को पहले हमको चारों साइड से लॉक करना पड़ता था अंदर से, पर इसमें एक चाबी यहाँ से ही लॉक करना चाहे गाड़ी को तो ये आपका चारों का चारों लॉक हो जाएगा, कोई भी दरवाजा फिर खुलेगा नहीं। आप किसी भी को भी खोलिएगा तो नहीं खुलेगा। ये आपका मॉडल 1998 है, हमारा सारा टॉप मॉडल दिया हुआ है अभी का। आपका 2019 में जो मॉडल दिया है, जो आपका 2019 में जो चल रहा है उसके हिसाब से इसमें भी सारा फंक्शन दिया हुआ है। आपका 1998 का देने के बाद भी उतना पहले ये गाड़ी में दिया हुआ था, जो आपको मतलब अभी नया गाड़ी में आपको ये सब देखने को मिलता है। इसमें आपका एक चाइल्ड लॉक भी दिया है, जो पहले अभी का गाड़ी में दिया जाता है चाइल्ड लॉक, मगर इसमें भी दिया हुआ है चाइल्ड लॉक। ये चाइल्ड लॉक दे देने से आपका गाड़ी मतलब अंदर से नहीं खुलेगा, मगर हाँ बाहर से खुल जाएगा। इसको अंदर से अगर खोलना चाहे तो नहीं खुलेगा। इधर देखा, ये आपका अंदर से चाइल्ड लॉक किया हुआ है तो चाइल्ड लॉक से ये अंदर से नहीं खुलेगा। आप बच्चा है अंदर आपका गाड़ी में तो आप इसको लॉक कर दीजिए तो ये बाहर से ही खुलेगा, अंदर से नहीं खुलेगा। तो इस गाड़ी का प्राइस क्या होगा? ये जिसमें 1998 जब रेट था इसका 17 लाख दाम था, अभी का रेट में रिसेल वैल्यू कुछ है नहीं, जो है आपका वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार आता है अभी रिसेल वैल्यू। बाकी ये सारा मॉडल जो है आपका अभी 2019 में जो चल रहा है उसमें सारा चीज़ दिया है, बस इसमें एक ही मैन्युफैक्चरिंग नया कुछ दिया है, तो उसमें एक नेविगेशन है और कैमरा है और इसमें कुछ अलग नहीं है, बाकी सारा चीज पुराना 1998 में ही दे दिया गया। तो सर ये आप गाड़ी कितने में बेचना चाहते हैं? ये गाड़ी हम ऐसे स्क्रैप में लिए हैं, बाकी ये गाड़ी सारा आपका टंच गाड़ी है, इसमें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, बस इसका साइलेंसर फटा हुआ है और इसमें कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर्विसिंग करना और इसमें आपका सर्विसिंग दे सकते हैं आप, सर्विसिंग देने के बाद ये गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाएगा, मगर इसका पेपर ना होने के कारण हम इस गाड़ी को चला नहीं सकते रोड पे, जिसको हम स्क्रैप में गाड़ी को डालेंगे। हम स्क्रैप का काम करते हैं, गाड़ी को हमको काटना रहता है तो ये गाड़ी मेरा कटैया में चला जाएगा। और ये गाड़ी आपका चारों टायर आपका ट्यूबलेस टायर है और इसका सारा चीज़ रनिंग। और आपको अगर जहाँ होंडा सिटी ओल्ड मॉडल जो आपका 1998 का मॉडल है और आपको पार्ट्स का दरकार हो तो इस गाड़ी का आपको इस गाड़ी का पार्ट्स मिल जाएगा।
जब हम इसको काटेंगे इसका जो भी पार्ट्स हो आपको सारा मिल जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके आप इस गाड़ी का पार्ट्स ले सकते हैं। आपको ये गाड़ी लेना हो, स्क्रैप गाड़ी है जो आपको रनिंग करने के लिए, तो आपको पहले इस गाड़ी का पूरा पेपर ओके करना होगा, उसके बाद आपको ये गाड़ी को आप ले सकते हैं। मगर आपको ये गाड़ी लेने के बाद कोई बेनिफिट नहीं है, मगर आप लोकल में घूम सकते हैं, सीख सकते हैं ये गाड़ी से। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।